कोरबा संसदीय क्षेत्र में मरवाही में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, कोरबा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे समेत वरिष्ठ और दिग्गज विधायक और भाजपा नेता शामिल हुए। वहीं दर्जन भर कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए, जिसमें प्रमुख नाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्ञानेंद्र उपाध्याय का था। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भूपेश बघेल के कांग्रेस प्रदेश की 11 के 11 सीटों को जीतने के दावे पर अरुण साव का पलटवार कहा और उनके दावे का टेस्ट अभी विधानसभा चुनाव में हो चुका है। 75 पार का दावा करने वाली पार्टी के मुखिया को उनके संसदीय क्षेत्र में उनके पार्टी के कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में कांग्रेस की हालत डूबते जहाज की तरह हो गई है। समस्त मतदाताओं को, मेरे समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। काम करे पांच साल में, अरे जरा जोर से बोलो भाई, पांच साल में तो काबर बना रहे हैं सांसद। दिल्ली मुंबई घूमे पर, रायपुर घूमे पर मिले हैं के मैं आप लगा कहूं। सरोज दीदी है पहली विधायक, महापौर रहे हैं। कोरबा लोकसभा के 8 विधानसभाओं में जो कार्यकर्ता सम्मेलन होना है, उसकी शुरुआत मरवाही विधानसभा से हुई है और आज के सम्मेलन में जो कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ है, साथ ही ज्ञानेंद्र उपाध्याय जी सहित बड़ी संख्या में अन्य राजनीतिक दल से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। ये बताता है कि आज देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कितनी लोकप्रियता है। आम लोग अन्य दलों को भी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता का परिणाम है और निश्चित रूप से ये बताता है कि कोरबा लोकसभा भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे और छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है।